मतगणना से पहले कैथल में हिंसा की एक और वारदात से दहशत का माहौल है। मंगलवार शाम को कैथल के सेक्टर 19 में गोलीबारी की घटना में एक बैंक अधिकारी नीरज मलिक घायल हुआ है। नीरज कैथल के कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला के पूर्व सहायक बलविंदर मलिक का भाई है। रणदीप सुरजेवाला ने इस घटना को हरियाणा में गुंडा राज की वापसी बताया है। बता दें कि सोमवार को मतदान के बाद कैथल की आईटीआई के में स्थित पोलिंग बूथ के सामने भी हंगामा हुआ था, जिसे निपटने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। मंगलवार शाम को नीरज मलिक अपने बच्चों के साथ कार में मार्केट गया था। वापिस आकर नीरज अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि पीछे से कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलियां चला दी। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। नीरज की जांघ में गोली लगी है। परिजनों ने नीरज को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। रणदीप सुरजेवाला भी नीरज से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। सिविल लाइन्स थाना पुलिस और सीआईए स्टाफ द्वारा घटना की जांच की जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस वारदात का कोई राजनीतिक कनेक्शन है या नहीं। बता दें कि नीरज का भाई बलविंदर मलिक 2004 से 2009 तक रणदीप सुरजेवाला का सहायक रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल के माहौल के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।